हेलो गाइस, तो कैसे हो? तो आ चुके और एक न्यू पबजी मोबाइल वीडियो के साथ वापस। ते वाले वीडियो भी होने वाला है डू और कॉन्कर रैंकस वाली वीडियो। तो इधर आ चुके थे समंदर के बाढ़ में बसा हुआ बस्ती फ्री पियर में। तो इधर भी दोनों दो बंदा गाड़ को जाने आ गया था। तो फर्स्ट ऑफ तो इन लोगों को तो पहलना ही था, क्योंकि ये लोग बोले कि हम लोगों को बहुत दिक्कत देने वाला था। तो फर्स्ट ऑफ तो उठ के लूट लेते, तो लूट के भी भाई उतर के गॉड गन मिल गया था M4। अब बारी थी इन लोगों को पहले की। तो जैसे एक गन मिला तो हम इधर आके बैठ गया कि दोनों बंदा एक ही घर में उतरा, तो बंदे को तो लूटने निकलना पड़े गई। तो एक बंदा स्पॉट हुआ, तो बंदा दरवाज़ा बंद कर लिया। अब दूसरे बंदे की बारी थी। अब दूसरे बंदा जैसे बाहर निकला तो इसको तो फर्स्ट नॉक कर दिया। इसको नॉक करने के बाद ही तुरंत फिनिश कर दिया दूसरे बंदे को पैनिक करने के लिए। तो जैसे ही एक बंदे को फिनिश करेगा तो दूसरा बंदा पैनिक हो जाएगा, वो तो गलती करेगा ही। तब वो दूसरा बंदा, उसका गांड फट गई थी। वो बंदे डर के मारे वो बंदा घर के अंदर कैम करके बैठ गया। अब बारी थी हम लोगों को घुस के पहलने की। तो इधर देखता हुआ इधर उधर कि बंदा नीचे ही ना कैम करके बैठा हो, तो फुस्टे पाया कि बंदा ऊपर कैम करके बैठा है। तो मैं इधर इधर ट्रिक लगाता हूँ कि ट्रिक लगा कर घुस के मारने की कोशिश करते। तो इधर से तो चढ़ने के जाया था, मैं टीममेट को बोलता हूँ उधर से नीचे से फुस्टेप दे के बंदा सोचेगा कि दोनों बंदा नीचे है। तो मैं इधर से पीछे से चढ़ जाता हूँ, तो बंदे को हल्का सा दिखा उसका हेड कि बंदा इधर ही कैम करके बैठा है। तो मैं पहले इधर घुसता नहीं कि जैसे भाई घुसे भाई बंदे स्पॉट करके नॉक ना कर दे, कि एक बार नॉक होया तो बंदा तो फिनिश करेगा कि उसका बंदा एक टीममेट को फिनिश किया। तो जैसे इधर नेट का पिन खींचा तो बंदा पीछे चला गया नेट का आवाज़ सुन के। तो जैसे पीछे चला गया तो मैं इसको पीछे ही नेट फेंकता हूँ। बंदा थोड़ा सा डैमेज तो हुआ लेकिन बच गया, तो अंदर ही घुस के इसको पेलना पड़ा। अब जैसे इधर पेल के लूटने जाते क्योंकि ये बंदे को अच्छा खासा सामान मिल गया था। दोनों बंदे को एक ही घर में घुस के बंदे को तीन तीन गन मिल गया था। तो देखो ये बंदे के पास भी स्कारल मिल गया था। तो ये बंदा हम लोगों का अगर गन नहीं मिलता तो ये बंदा घर में आकर हम लोगों की गांड फाड़ देती। तो इधर आके तो इस बार थोड़ा सा तो अच्छा लूट दे ही दिया था फ्री पेयर में। तो इधर बाहर आके गाड़ी देखते हैं, तो गाड़ी तो नहीं दिखता है। तो इधर एक बॉट आ जाती है। तो इधर बॉट को मार पेलने के बाद ही इधर आगे वाला देखते हैं, तो एक गाड़ी स्पॉट होता है डासिया। तो इधर तो प्लेन जाता है। तो अब मैं पीछे साइड देखता हूँ, तो पीछे साइड एक ड्रॉप दिखता है क्योंकि ड्रॉप गिर रहा था। तो सोचा मेरे टीममेट को बोलता वो गाड़ी लेकर आ जाए, तो पीछे साइड ड्रॉप लूट के आते हैं। फिर ड्रॉप का सामान होगा तो अच्छा खासा बंदे को पेलेंगे, अगर गांड फाट देंगे बंदे की। अब इधर तो पीछे साइड जाते हैं डॉग लूटने, कि कोई बंदा पीछे साइड उतना बंदा गया नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा दूर था प्लेन लाइन से। तो इधर डॉग लूटने आ जाते। तो इधर डॉग गिरा था पानी में, तो डॉग तो हम लोग लूटना ही था। तो इधर बोट लेके आ जाते डॉग लूटने। तो इधर डॉग पे भारी भयंकर सामान AWM था, अब बंदे की खोपड़ी फोड़ूंगा। तो इधर से AWM उठा के निकल लेते क्योंकि जिंदगी का रिस्क आया कि कोई बंदा ऊपर अगर आ जाए तो हम लोगों का गांड फाड़ देगा उठने से पहले ही। तो इधर कोई बंदा आया नहीं था क्योंकि इधर से सर्किल निकल गया था। तो इधर से लूट के निकल लेते। तो इधर मेरे टीममेट के पास 8x था, तो और क्या ही चाहिए, AWM प्लस 8x था, बंदे की तो खोपड़ी पहनना चाहिए। तो इधर डॉब लूटने के बाद सोचते कि आगे वाला घर पे थोड़ा सा सर्कल है, तो इधर ही रुक के थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, नेक्स्ट सर्कल गिनने के बाद ही निकलेंगे इधर से। तो इधर आके तो पहले रुक के थोड़ा सा हीलिंग का सामान वगैरह देख लेते हैं क्योंकि हीलिंग का सामान थोड़ा सा कम था। तो इधर थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो देख लेते। तो इधर कोई बंदा आया तो नहीं था क्योंकि कोई घर लूटे तो नहीं दिख रहा था। अब इधर से सर्कल गिर गया था भाई 1500 मीटर दूर, इस पार से उस पार से पूरा पोचिंग की में एकदम सर्कल हो गया था। तो हम लोग सोचते इधर से पूरा निकल के पोचिंग की में एकदम घुसा जाए। तो इधर से मौत से निकल रहा था, तभी देखा दो इच्छाधारी नागिन। अब एक बंदा तो स्पॉट हुआ, तो बंदा आके घास के पीछे लेट गया। तो मैं सोचता हूँ कि पहले फर्स्ट गाड़ी से कुचलते। तो गाड़ी से तो बंदा कुचला नहीं, दोनों बंदा मेरे टीममेट को मार के नॉक कर देता है गाड़ी में ही। अब मैंने तो उसका एक बंदा नॉक कर दिया। अब दूसरे बंदे की बाड़ी थी, तो दूसरे बंदा जैसे घूम गया तो जंप शॉट देकर दूसरे बंदे को फिनिश किया। तो फर्स्ट ऑफ तो मैं सोचता हूँ रिवाइव दे देता हूँ, तभी सोचता हूँ कि पूरा ओपन है तो फर्स्ट ऑफ एक स्मोक कर लेते, कोई बंदा हमें देख रहा होगा। तो जैसे भाई रिवाइव देने बैठे तो गांड फाड़ दे, तो स्मोक करके तो बंदे को रिवाइव दे देते। तो हमारा इधर क्या होता है, हमारा गाड़ी पूरा फोड़ देता है, गाड़ी से धुआं धुआं हो रहा था। तो इसको तो फर्स्ट ऑफ लूट लेते कि कोई अच्छा खासा सामान हो। तो इसके पास तो 6x था, तो इसको लूट के तो इसका गाड़ी लेके जैसे निकलने की सोचे कि इसका गाड़ी का तो फ्यूल ही ख़त्म हो गया था, इसलिए बंदा ओपन में रुक गया था। तो हमारा धुआं वाला गाड़ी आग वाला गाड़ी लेके घोस्ट राइडर की तरह जाते हैं। जैसे सोचा कि भाई गाड़ी मिल गया तो गाड़ी चेंज कर लो,
कि घोस्ट राइडर की तरफ जाके हमें ही ना जला दे। तो इधर से गाड़ी लेकर निकल लेते कोचिंगी की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ तो सोच रहे थे कि बना हाउस में रुका जाए कि कोई बंदा ना हो। तो इधर बंदा तो था नहीं, लेकिन इस घर से थोड़ा सा बंदे का एंगल भी नहीं मिलेगा मारने के लिए। AWM है तो थोड़ा खुला जाएगा चाहिए बंदे की खोपड़ी फोड़ने के लिए। अभी इधर आ चुके थे कैंपर हाउस में, कोई बंदा ना हो तो हम लोग तो सोच रहे थे कि कैंपर हाउस ही पकड़ा जाए, क्योंकि ये घर का बहुत ही एडवांटेज है। ऊपर से तो जानते ही ऊपर से पूरा व्यू मिलता है बंदे को पेलने के लिए। तो इधर फर्स्ट ऑफ तो नीचे पहले थोड़ा सा घूम लेते हैं क्योंकि कोई बंदा कोई ना हो। तो जैसे इधर अंदर घुसा एनिमी के पास कुछ ज़्यादा ही हो गई थी क्योंकि हमारा गाड़ी फोड़ने लग गया। अब इधर ऊपर तो आके तो सीढ़ी पे पहले बैठते कोई बंदा कैम करके बैठा ना। ऐसा बहुत बार हुआ कि दोनों बंदा दोनों कोने में कैम करके बैठा, जैसे कोई घुसे पहल दे तो मेरा टीममेट एक नेट करके देख लेता है कोई बंदा है क्या। तो बंदा तो नहीं दिखता, इतने में हम ऊपर आ जाते। अब ऊपर आके हम लोग कैम करते, अब बंदे के खोपड़ी हम लोग फोड़ेंगे। तो इधर आगे वाला स्क्वाड है उस पर बंदा था जो हमारा गाड़ी फोड़ रहा था। तो हम सोचते हैं कि अब उसका खोपड़ी फोड़ा जाए। तो जैसे उस बंदे को देख रहा था कि कोई बंदा दिखे सर उठाते हुए उसका गांड फाड़ दे उसका। इधर बंदा समझदार था कि वो बंदा पीक ही नहीं लिया हमारा गाड़ी फोड़ने के बाद चुपचाप बैठ गए। तो हम इधर क्या करता हूँ उसको उठ के देखता हूँ कि बंदा जैसे ही हमको देख के कोई बंदा खड़ा हो और उसका गांड फाड़ दे। तो बंदा बहुत समझदार था तो बंदा उठा ही नहीं, चुपचाप कैन करके बैठा ही था। बंदा तो था लेकिन वो बंदा जम गया था उधर ही स्क्वाड हाउस में। अब इधर उसको तो छोड़ते हैं, इग्नोर मारते हैं, अब देखते हैं दूसरे बंदे को। अब इधर आगे डॉग गिरा था तो इधर से सर्कल भी निकल गया। सर्कल बोल रहा है भाई बहुत देर मजा ले लिया, बाहर निकलो। अब इधर से ऊपर से एक बंदा दिख रहा था क्योंकि उधर ही जा रहा था राइट साइड में। तभी इधर राइट साइड ऊपर देखा क्योंकि वो बंदा एक बंदे को नोक करके भाग रहा था उसको मारने के लिए। तो इधर एक लेटा हुआ बंदा देखा और एक नोक बंदा। अब इसका नोक वाले बंदे को किल तो चुरा लिया लेकिन एक किल हजम नहीं होगा। लास्ट तक देखना कि हमारे भी एक किल चोरी कर लेता है। तो इधर ऊपर तो स्मोक करके फाइट हो रहे थे। अब इधर बीच में बलि का बकरा बन गया डासिया वाला, क्योंकि जो भी ये जिधर से भी जा रहा था बंदा मार रहा था। तो मैंने इसको बहुत डैमेज दिया लेकिन ये बंदा ऊपर चला जाता है। तो इधर ये बंदा जैसे ऊपर जाता है तो ऊपर वाला बंदा इसको नॉक कर देता है। अब इधर तो फर्स्ट तो मैं पीछे साइड देखता हूँ कि कोई बंदा आए उसको पहले। तो इधर से पीछे साइड तो बंदा तो नहीं दिख रहा था। तो इधर आगे एक UZ वाला आके पत्थर पे ठुक गया था। तो बंदा आके समझदार था तो पहले दो स्मोक कर लेता। इधर एक बॉडी शॉट लगा बंदे को और बंदा तुरंत ही गाड़ी लेकर निकल गया। तो बंदा स्मोक कर दिया था तो बंदा को दिखा नहीं, वो बंदा गाड़ी लेकर निकल गया। अब इधर हमारे पास से तो सर्कल निकल गया था। तो मैं इधर पूरा लास्ट तक वेट करता हूँ कि कोई बंदा भाई हम जैसे उतरे भाई पोचिंग की साइड से कोई बंदा निकल के गांड ना फाड़ दे। तो मैं इधर लास्ट तक वेट करता हूँ क्योंकि लेफ्ट साइड गाड़ी भी दिख रहा था कि कोई बंदा ना हो भाई। जैसे ही उतरे ओपन से जाए बंदा पेल दे तो एक बार लास्ट सर्कल में नॉक हो गए तो भाई बचना तो नामुमकिन ही है। तो जैसे पूरा सर्कल निकलने के बाद ही हम इधर से निकले तो ये वाला सर्कल अपने ही इधर दिया। तो ये वाला सर्कल तो बहुत साथ दिया। अभी इधर आगे एक कंटेनर था तो इधर ही आके रुक जाते। तो ये कंटेनर साइड थोड़ा सा कवर तो था लेकिन दोनों साइड कवर दे सकता है। तो ये राइट साइड तो पूरा ओपन था इस साइड का कि कोई बंदा राइट साइड आके मेरा गांड फाड़ सकता था। जगह के एक ही दिक्कत है कि राइट साइड से पूरा ओपन है। लेफ्ट साइड में तो स्मोक होकर रखा था क्योंकि लेफ्ट साइड बानाउट में भी बंदा था। अब इधर मैं पहले तो राइट साइड ही देखता हूँ क्योंकि राइट साइड से कोई बंदा आ ना जाए। राइट साइड से कोई बंदा आ जाए तो मेरे को स्पॉट कर लिया तो भाई मरना तो कन्फर्म है। तो मैं इधर क्या करता हूँ बान हाउस वाले को नॉक करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि AWM है तो खोपड़ी तो फोड़ना चाहिए। तो बंदा स्मोक में स्मोक करे जा रहा था। मैं AWM को शॉर्ट कनेक्ट करने की कोशिश किया लेकिन बंदा लगा नहीं तो बंदा पूरा छुप गया और बंदा लिखना ही नहीं। अब इतने में आ जाती है राइट साइड में UZ लेके। अब UZ लेके आ गया तो यही दिक्कत करने वाला था क्योंकि ये बंदा एक बार हमको स्पॉट कर लेता तो भाई मेरा तो गांड फाड़ देता। तो मैं क्या करता हूँ मेरे पास 4 स्मोक था तो मैं इधर स्मोक का कवर बना लेता हूँ राइट साइड क्योंकि बंदे को मेरे को दिखना व्यू नहीं मिलना चाहिए बिल्कुल भी। तो मैं इधर क्या करता हूँ राइट साइड उसके ऊपर स्मोक करके इधर ही बैठ जाता हूँ।
तो इधर इतने में आ जाती, ऊपर से एक सर्कल के बाहर से एक बंदा आ रहा था, तो एक AW को शॉट दिया। जैसे ही बंदे को नॉक किया तभी वो दूसरा बंदा भी मारने लग गया। तो मैंने बोला था कि मैंने एक किल चुराया, मेरा भी एक किल चोरी होगा, तो मेरा भी एक किल चुरा लिया। राइट साइड वाला बंदा है DP वाला, तब इसको भी लास्ट में इसका भी गन फाड़ेंगे, वक्त आएगा तो हम भी इसको मारेंगे। अभी तो इससे बच के रहना पड़ेगा कि वह बंदा भाई मेरे को सपोर्ट करके पेल ना दे। तो मैं इधर राइट साइड में तो स्मोक पे स्मोक करे जा रहा था क्योंकि बंदा मेरे को व्यू ना मिल जाए। तो इसके पास से भी क्या सर्कल निकल गया था राइट वाले के पास से, इसका भी निकलना था सर्कल में। तो मैं इधर और एक स्मोक कर देता हूँ क्योंकि बंदे को दिखना नहीं चाहिए। लेफ्ट साइड से एक USZ आ जाती है, तो बंदे को पता नहीं था कि इधर नो एंट्री है। तो बंदा मौत से आ रहा था, तो जैसे इधर एक आया इसको तो नॉक कर दिया। तो एक सिंगल बंदा था, अब इसका दूसरा टीममेट भी बचा हुआ था। तो मैं इसका गाड़ी फोड़ के इसको फिनिश करने की कोशिश करता हूँ कि बंदा जल्दी से जल्दी फिनिश करे। तो बंदा घिस घिस के चला जाता है, तो मेरा टीममेट बोलता है कि मैं इसको फिनिश कर दूंगा, तो मैं इसको इग्नोर मारता हूँ। तो आगे वाले को देखते हैं, तो आगे वाला USZ वाला उधर ही घुस जाता है। तो बंदा समझ रहा था, तो पहले स्मोक कर लिया था 3-4, तो बंदा को दिखा नहीं, तो बंदा स्मोक के अंदर घुस गया। तो इस साइड देखता हूँ कि बंदा घिस घिस के चला गया था नॉक वाला बंदा रिवाइव होने के लिए। तो 2 कदम दूर था वो बंदे को, तो AW की गांठ फाड़ दी। अब दूसरे बंदे की बारी थी, तो बंदा एकदम चुपचाप बैठ गया उधर ही घास के पीछे चुपचाप बैठ गया। तो बंदा तो पिक ही नहीं लिया क्योंकि मेरे पास AW है। अब इधर राइट वाला एक बंदा आके स्मोक के अंदर बैठा हुआ था, तो बारी थी इसकी। ये बंदा बहुत देर से इधर ही छुपा हुआ था और मेरा एक किल भी चुराया। अब बारी थी इसका गांड फाड़ने की। तो जैसे स्मोक ख़त्म हुआ तो बंदा स्पॉट हो गया क्योंकि ये बंदा इधर ही आ रहा था मेरे को मारने के लिए, क्योंकि इसको आगे से भी पड़ रही थी। तो बंदा इधर ही जैसे आया तो स्पॉट हो गया, तो बंदे की गांड फाड़ दी। अब बारी थी दो बंदे की, दो जो सिंगल बंदा था। बंदा तो पता था कि वो लेफ्ट साइड में घास के पीछे है और दूसरा बंदा राइट साइड से फायरिंग कर रहा था। तो मैं राइट साइड वाला को देखता हूँ कि कूद कूद के देखता हूँ कि कोई वो राइट साइड वाला बंदा स्पॉट हो जाए। तो उसको पहले जैसे सर्कल ख़त्म हुआ तो राइट साइड वाला बंदा सर्कल के बाहर से आ रहा था, तो दूसरे बंदे ने उसको बहुत डैमेज दिया और बंदा सर्कल के बाहर ही फिनिश हो गया। बचा था लास्ट बंदा, तो उधर से भी तो सर्कल निकल गया था, घास के पीछे से पूरा सर्कल निकल के आ गया था। तो मैं सोचा कि बंदा लेट लेट के राइट साइड में आ जाए, तो मैं थोड़ा पूरा ओपन में था तो इधर पूरा कवर भी नहीं था मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तो फर्स्ट ऑफ एक स्मोक कर देता हूँ, और वो बंदा लेट के आएगा तो आगे वाला घास पे लेट के आएगा। तो मैं इधर क्या करता हूँ, मेरे पास 5-5 नेट था, तो नेट की बारिश कर देता हूँ तीनों साइड, क्योंकि बंदा किधर भी होगा तो बंदे की फट के गांड फट जाएगी बंदे की। बंदे का मौज देखो, बंदा सर्कल के बाहर ही हील बैटल कर रहा था, तो जैसे ही सर्कल के अंदर आया तो बंदे की गांड फट दी। तो जो भी वीडियो में नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब वाले बटन की गांड फाड़ दो। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ वापस, तब के लिए सी यू, बाय।